रोइन तो मत प्लीज। तुम नहीं जानती हालिया, झूठे लोगों में रहना कितना मुश्किल होता है। मेरा तो रोना ही बंद है। आपने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी क्षमा के बारे में ऐसी बात करने की? तुम देखना, वो लोग कोई ऐसा झूठ घड़ेंगे कि हम सच्चे होकर में रोते रहेंगे और वो झूठे होकर जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है इसका? गजाला को बुलाए, उसने आपसे झूठ बोला है कि शमा के किरदार के बारे में मैंने किसी को कहा है कुछ। कोहर बहन, हमारी बेटियां झूठ नहीं बोलती। ओए मामी जी, तो आपको कहने का क्या मतलब है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं और मेरी अम्मा इस उम्र में झूठ बोलेगी? शकील मियां, हमारा ये मतलब नहीं था। और बस कर दे, काम तो हो गया ना आपका। अम्मा उल्टा चोरी के चोर चोर। शकील मियां, हम आराम से बात कर सकते। और बहुत हो गई बातें आराम से। मेरी माँ भी, यानी कि वो शकील ठेकेदार की माँ भी आपने बुता लगा दिया है। वैसे गजाला ने सही काम पकड़ा है। एक तो उसकी बे औलादी बर्दाश्त कर रहे हम। मेरे बेटे के आंगन में एक फूल नहीं खिलाया इसने, इधर की उधर लगा के गुल खिला रही है बस। गौहर बहन, अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? हम तो सिर्फ शमा के किरदार पर बेबुनियाद इल्जाम लगने की बात कर रही हैं। बातें बहुत हो गई मामी जी। एक तो आपने मेरे भाई को रिश्ता नहीं दिया, वो मरते मर गया। ऊपर से आप हम पे ये इल्जाम लगा रही है कि हमने शमा के किरदार के ऊपर बात की है। वैसे हद नहीं होगी आपकी? भाभी, गजाला को समझाएं, ऐसे नहीं बसती लड़कियां ससुराल में। गौर बहन, गजाला ने हमसे कुछ नहीं कहा, वो तो आप लोग शिकायत लेकर आए हैं। ये शिकायत नहीं, हकीकत है। ओए बस कर दे अम्मा, कितनी इनको हकीकत बताएगी? हमारे शायद को आपने इनकार किया ना, मैं भी देखता हूँ कि नवाब साहब किन शहजादों से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। वो इनके हिस्से में कचरा ही आना है, जैसी बेटियां वैसी दवाद मिलने हैं। इतने नसीब वाले आप नहीं हैं कि बस वो शकील ठेकेदार जैसा आपको दबाद मिल जाए। नवाबी चली गई पर नवाबी सोच नहीं गई। ओ गजाला चला घर चले। अब बल्कि मचा रहन दे, बंजर जमीन को कहां साथ लेके जाना, चल कर। अरे शकील मियां बैठे, आप बात तो करें। शकील मियां, गौहर बहन। नवाब साहब, हम अभी शकील मियां और गौहर बहन से बात करके आते हैं, आप परेशान मत होइएगा। हाँ नवाब साहब, हम बड़ी मुश्किल से गौहर बहन और शकील मियां का गुस्सा ठंडा करके आ रहे हैं। गजाला की माफी के बाद ही वो खामोश हुए हैं। नवाब साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? नवाब साहब, आलिया, नवाब, आलिया, आदिल बेटा जल्दी आओ। नवाब साहब, आपकी तबीयत, आलिया जल्दी आओ। नवाब साहब, आलिया, आदिल जल्दी आओ। नवाब साहब, हौसला करें, आदिल। देखिए, ये इनका सेकंड अटैक था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सरवाइव कर गए। इसके बाद अगर इन्हें अटैक हुआ तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब, ये सब क्यों हो रहा है बार बार? इसका क्या ट्रीटमेंट है, हम क्या कर सकते हैं? बाईपास, क्योंकि सेकंड अटैक के बाद वेट करना मुनासिब नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके इनका बाईपास करवा लें। ये ऑपरेशन में खर्चा कितना होगा? ये अप्रॉक्स 5-7 लाख रुपीस एक्सपेंस आएगा। बाकी डिटेल आप काउंटर से ले लें, लेकिन इस बात में देर मत कीजिएगा और कोशिश करें कि इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और कोई भी ऐसी बात ना करें जो इन्हें परेशान करे। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं अब्बा जी को घर ले जा सकती हूँ ना? जी, थोड़ी देर में इनको डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप ले जा सकती हैं। आदिल बेटा, सब खैरियत तो है ना? नवाब साहब की तबीयत कैसी है?
ताईजान अल्लाह का शुक्र है कि अब खतरे से बाहर है उनकी तबीयत। काफी बेहतर है वो। अब तो सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे थे, बहुत परेशानी थी। कल उनकी तबीयत अच्छी खासी थी, फिर अचानक न जाने क्या हुआ। था तो हार्ट अटैक ही। डॉक्टर ने कहा है कि ये काफी खतरनाक है, खुदा ना खास्ता अगर दोबारा हुआ तो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम पे अपना रहम करम करे। नवाब साहब कब घर आ रहे हैं? बस अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, आलिया उन्हें लेकर आ रही है। बाकी तफसील आलिया ही बताएगी क्योंकि डॉक्टर साहब से उसी की मुलाकात हुई है। चीटे आप चलें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है बेगम, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं आप? हम ठीक हैं। डॉक्टर्स ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, अब्बा जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ गई थी, अब इस उम्र में तो ऐसा होना ही। नवाब साहब हार्ट अटैक हुआ था और हम कोई बच्चे तो नहीं जो आप हमें बहला रहे हैं। हर तरफ से मुसीबतें हमारे ही सर मंडलाती हैं। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए आइए आइए। Sanya